गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे हाउ मैनी ब्रिक्स कैन बी यूज्ड इन वन बैग सीमेंट। एक बोरा सीमेंट से कितना ईटा जुड़ेगा? कोई आपसे पूछ दे कि एक बोरा सीमेंट से कितना ईटा जुड़ेगा, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद इस स्थिति में रहेंगे कि जब भी कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप बहुत जल्दी आसानी से बता सकते हैं कि एक बोरा सीमेंट में कितना ईट जुड़ सकता है। मान लीजिए ये एक ब्रिक वॉल है, ये ब्रिक वॉल है ब्रिक वॉल है 10x10 का एक ब्रिक वॉल है 10। दो तरह का हम लोग ईट जुड़ाई करते हैं। एक 9 इंच वॉल होता है, 9 इंच वॉल, और एक 4 इंच वॉल का जुड़ाई होता है। तो इसमें जो 4 इंची वॉल होता है प्राय 1:4 और 9 इंची वॉल जो होता है 1:6 के रेशियो में 1 सीमेंट और ए सैंड, 1 भाग सीमेंट और 4 भाग सैंड, 1 भाग सीमेंट 6 भाग सैंड का उपयोग करके हम जुड़ाई करते हैं। ये आपका सेक्शन एक देखते हैं, ये 4 इंची का ब्रिक वॉल का सेक्शन है और ये आपका 9 इंच, इसको डबल ब्रिक वॉल भी बोला जाता है। 9 इंच को दो ईट की वॉल, दो ईट की दीवार 9 इंच वॉल को, तो 4 इंची वाल में 1:4 के रेशियो से और 9 इंची के वाल में 1:6 के रेशियो से हम एक बोरी में 250 ईटा की जुड़ाई कर सकते हैं। यानी कि आपको 250 ईटा की जुड़ाई आप एक बोरा सीमेंट से कर सकते हैं। अब हम 100 स्क्वायर फीट में देखेंगे, ये जो ब्रिक वॉल है 10x10 के, तो एक हम जानते हैं कि 4 इंची वॉल में 1 स्क्वायर फीट में 5 ब्रिक यूज होता है, तो 1100 स्क्वायर फीट में कितना हो जाएगा? 500 ईटा। 1 स्क्वायर फीट में 4 इंची के वाल में 5 ईटा, तो 100 स्क्वायर फीट में 500 ईटा। और 9 इंच में डबल ब्रिक वाल होता है, तो इसमें 1 स्क्वायर फीट में 10 ईटा यूज होता है, तो 100 स्क्वायर फीट में तो 100 × 10 1000 ईटा। 1000 ईटा आपका हो जाएगा। एक बोरा में 250, तो 500 ईटा जोड़ने में 500/250 दो बोरा, आ 1000 में, 1000 में आपका 4 बोरा, यानी कि 10x10 का यदि दीवार हो, 4 इंच की दीवार हो, तो आपको 2 बैग सीमेंट में
10x10 का 9 इंची वाल्व का हो तो 4 बोरा सीमेंट में जुड़ाई हो सकता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से समझ पाए कि 1 बोरा सीमेंट में कितना ईंट की जुड़ाई संभव है। धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब मैं कोई नया अच्छा वीडियो आपके लिए लाऊं तो आप आसानी से उसे देख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।